हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल इन रसोई। आज की रेसिपी है बूंदी का रायता। यह एकदम झटपट बन जाता है। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी या एज ए साइड डिश परोस सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1.5 कटोरी बूंदी ली है। ये बूंदी खारी बूंदी नहीं है, ये एकदम फीकी बूंदी है। ब्लेंडर में 1.5 कटोरी ताज़ा दही डालें। हमने जितनी बूंदी ली है उतना ही ताज़ा दही इसमें डालेंगे। यहाँ हम गाढ़ा रायता नहीं बना रहे, इसलिए हम यहाँ 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे। यहाँ हम काला नमक डाल रहे हैं, इसलिए नॉर्मल नमक ध्यान से डालें। 1 टीस्पून चीनी डालें। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर दें। 2-3 हरी मिर्च जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है उसे भी हम इसमें डालेंगे। 15-20 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक डालने से रायते का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च। यहाँ मैंने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ। 10-15 फ्रेश पुदीने के पत्ते। हमने ब्लेंडर में सभी मसाले डाल लिए हैं। अब इसे हम 1 मिनट तक हाई स्पीड पर चलाएंगे, ताकि सभी मसाले दही के साथ अच्छी तरह से पिस जाएं। हमने जो मसाला छाछ बनाई है उसे हम, जो बूंदी हमने अलग निकाली थी उसके ऊपर हम इसमें डालेंगे। कड़छी की सहायता से बूंदी और मसाला छाछ को मिलाएंगे। इसके बाद ताज़ा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया से रायते का स्वाद लाजवाब हो जाता है। कड़छी की मदद से इसे स्टर करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि बूंदी थोड़ा सा पानी सोख ले। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें और इसे ठंडा ही परोसें। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी या चावल के साथ परोसें। एक बार इस रायते को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।